नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल अर्निंग बाय शुभम में। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो दोस्तों। तो आज हम जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि महिलाओं के लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो दोस्तों, ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिलाओं उद्यमियों के लिए 2 लाख रुपये 5% प्रतिवर्ष तक का ऋण प्राप्त करने के लिए जो है सावधि ऋण योजना है दोस्तों। इसकी जो बात कर लेते हैं फायदे की, जो बेनिफिट है इसका, वो है स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये 5% प्रतिवर्ष की सब्सिडी जो है राशि, शेष राशि जो है लाभार्थियों के स्वयं के स्वामित्व में होनी चाहिए। और जो दूसरा है वो लाभार्थी महिला को 2 लाख रुपये की लागत तक की परियोजना पर अपनी कोई राशि निवेश नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करने की आवश्यकता दोस्तों। देन उसके बाद जो है पात्रता रहेगी। पात्रता क्या रहेगी, तो जो आवेदक है वो महिला होनी चाहिए, आवेदक की जो आयु है 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। और जो आवेदक है वो उद्यमी होना चाहिए। आवेदक की कुल वार्षिक जो है 3 लाख, जितने भी परिवार की जो आयु वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आवेदन की बात कर लेते हैं तो ये इसमें ऑफलाइन आवेदन होगा आपका। चरण एक की बात कर लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो योग्य आवेदक को महिलाओं के लिए जो है स्वर्णिमा योजना के निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करने के लिए निकटतम SCA सेंटर, जो SCA आपका कार्यालय है, वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो एक मैं वेबसाइट दे दूँगा आपको, लिंक दे दूँगा, तो वो वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं आपके नियर बाय जो है SCA सेंटर कार्यालय कहाँ पर है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यकताओं, व्यवसाय की पसंद, प्रशिक्षण आवश्यकताओं यदि कोई हो तो उसका उल्लेख करना है आपको, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप रहेगा वो अपना आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज उसी SCA कार्यालय में जमा करें, ठीक है, आपको जमा करना है। उसी आवेदन की समीक्षा के बाद SCA द्वारा ऋण की स्वीकृति किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं तो जो इसमें आवश्यक दस्तावेज रहेंगे वो पहचान पत्र लगेगा आपका, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, राशन कार्ड लगेगा आपका, कभी आपके पास राशन कार्ड है तो, आदिवासी जो है आदिवासी प्रमाण पत्र लगेगा आपका, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इसकी जो पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपका SCA सेंटर में जाकर। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।